नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है, आइए जानते हैं इस वक्त की अपडेट। आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ भारत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधु ने हाल ही में भारत के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की पुष्टि की है। आर्टेमिस समझौते की शुरुआत वर्ष 2020 में अमेरिका समेत 8 देशों ने मिलकर की थी। भारत के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अब इस समझौते में कुल 26 देश शामिल हो गए हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड या आर्टेमिस समझौता अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष में सदस्य देशों के आपसी सहयोग से नई खोज करना है। समझौते के तहत भविष्य में अंतरिक्ष में सहयोग के लिए नियम बनाए जाएंगे जो सभी सदस्य देशों पर लागू होंगे। हालांकि यह समझौता एक गैर बाध्यकारी समझौता है। गौरतलब हो कि यह आर्टेमिस समझौता वर्ष 1967 की संधि आउटर स्पेस ट्रीटी पर आधारित है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा चंद्रमा पर एक स्थायी सेंटर बनाएगा जहां से मंगल ग्रह पर पहले मानव मिशन की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि आर्टेमिस मिशन नासा के अपोलो चंद्र मिशन का उत्तराधिकारी है। अपोलो चंद्र मिशन को नासा द्वारा लगभग 50 वर्ष पहले लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस प्रोग्राम को कई चरणों में पूरा किया जाना है। इसके अंतर्गत नासा द्वारा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर ले जाना भी शामिल है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आर्टेमिस मिशन को पहले एक्सप्लोरेशन मिशन नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवता अपोलो की बहन के नाम पर आर्टेमिस कर दिया गया। आर्टेमिस भविष्य में होने वाले जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला मिशन है जो चंद्रमा और मंगल पर मानव अनुसंधान को सक्षम बनाएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।